चलिए बनाते हैं सोशे बाटा इलिश हिलसा, और हिलसा जरा बंगाल से मंगानी पड़ेगी, बांग्लादेश से मंगा लें, कलकत्ते से मंगा लें, कहीं से मंगाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ी वाली हो तो बहुत अच्छा है। मेरे पास उतनी बड़ी नहीं है, सीजन नहीं है। चलिए छोटी वाली है, उसके टुकड़े काटे हुए हैं साफ करके, और इसे थोड़ा मैरिनेट करना है, इस पे नमक और उसके साथ साथ इस पे हल्दी दोनों तरफ। अब एक काम करना है, जो सरसों है उसकी पेस्ट बनानी है। जी हाँ, ये सरसों जो है, छोटी वाली सरसों, ये देखिए इसको ले लें आप, और इसकी महीन पेस्ट तैयार करनी है। ये लीजिए मेन, ये जो फिश है इसमें सबसे जरूरी चीज यही है, सरसों, और उसके साथ साथ इसमें डालें हरी मिर्च, और अब इसमें पानी डालकर इसकी पेस्ट तैयार करनी है। ये पानी डाल के ये लीजिए। चलिए जब तक ये पेस्ट हो रही है, ये बर्तन में सरसों का तेल, सरसों का तेल किस लिए? ये सरसों का तेल है फिश को फ्राई करने के लिए। पेस्ट तैयार, वाह, चेक कर लेते हैं। अच्छा, वैसे तो इस फिश में आलू वगैरह डलते नहीं है, लेकिन बंगाली जो लोग हैं ना, वो आलू से इतना प्रेम करते हैं, हर चीज में आलू डाल देते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना डालूं। तो ये आलू को भी ये जरा लंबा लंबा काट लिया, और अब ले लें फिश, और फिश को करना है हमने फ्राई, और फिश ये लीजिए, सरसों का तेल है, कड़वा सरसों का तेल। ये देखिए, ये फिश हो गई लाल, निकाल लिया, आलू भी थोड़े फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए, ये आलू हो गए तैयार, आलू को निकाल लेते हैं। अच्छा, अब ये जो तेल है इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे नॉर्मल खाने में तेल कम पड़ता है, लेकिन बंगाल में जितनी बार गया हूँ, खास तौर से फिश वगैरह इस तरह से, तो उसमें ग्रेवी तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन तेल बहुत ज़्यादा होता है, शायद उसी वजह से टेस्ट आता है। आप चाहें तो तेल कम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इससे पहले जरा कलौंजी डालते हैं इसके अंदर। कलौंजी फूटने लग जाए, फिर ये सरसों की पेस्ट, वाह, ये डाली, मिक्स किया, भाई वाह, और उसके बाद इसमें डालें पानी। ये लीजिए पानी, इसके अंदर पानी डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, और उसके साथ साथ नमक, और ये आलू, आलू डाल के इसे पकाएंगे, और अब ये जो फिश हमने फ्राई की है ये इसमें हम डालते हैं। ओहो, आराम से डालें, ओहो, फिश डालने के बाद बस देखिए क्या दिख रही है ये फिश। स्वाद जो है सरसों ही सरसों, और इसको खाएंगे कैसे? देखिए, खाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें साइंस नहीं लगानी है, स्टीम्ड राइस लीजिए और इस डिश को साथ में लीजिए, सबको मिला के अच्छे से खाइए गर्मा गर्म। अभी नोट करें इसकी गर्मा गर्म रेसिपी और गर्मा गर्म रीकैप।
इस सरसों वाली मछली के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज की हिलसा फिश स्लाइस की हुई, आधा कप राई, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो हरी मिर्च, चार बड़े चम्मच तेल, एक आलू फिंगर साइज में कटा हुआ और एक चौथाई छोटा चम्मच कलौंज। इसे बनाने के लिए फिश के पीसेस को धोकर इसमें नमक और हल्दी पाउडर लगाएं और इसे करीब 15 मिनट तक रख दें। अब एक पैन में तेल गर्म करके इसमें फिश के स्लाइसेस को डालें, दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं और इसे निकाल कर रख लें। बचे तेल में आलू के पीसेस को भी सुनहरा होने तक पका लें और इसे भी अलग से निकाल लें। एक मिक्सी में राई और हरी मिर्च को थोड़ा पानी डालकर पीस लें। अब बचे हुए तेल में कलौंजी डालकर भूनें, इसके अंदर तैयार राई की पेस्ट डालकर पकाएं। अब इसमें एक कप पानी, हल्दी पाउडर और नमक डालकर पका लें। अब इसमें तले हुए आलू और फिश डालकर इसे ढककर धीमी आंच पर करीब 2-3 मिनट तक पकाएं और गर्मा गर्म परोसें। मेरे साथ में है कीर्ति, वेलकम टू द शो। थैंक यू। खाने का शौक है? बहुत ज्यादा। देखकर नहीं लगता। थैंक्स टू योर रेसिपीज जो डाइट को भी बहुत अच्छे रखते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं, इजिप्शियन स्पेशल है हमारा, तो मैं इजिप्ट में इतना घूमा हूँ तो ये जो रेसिपी है थोड़ी सी अडेप्ट की है हमारे टेस्ट के हिसाब से, लेकिन फिर भी एकदम अच्छी है। फिश की रेसिपी है, चिकन। तो आपको फिश ज्यादा अच्छा लगता है चिकन? मुझे हर तरह का नॉनवेज पसंद है। हर तरह का? बस ठीक है। तो ये जो फिश है चावल के साथ में है, तो दोनों को अलग अलग पकाते हैं। सबसे पहले कुछ एक तैयारी कर लेते हैं। ये जो मेरे पास पैन है इसमें मैं ऑलिव ऑयल ले लेता हूँ और एक दूसरे बर्तन में जीरा और इसके साथ में काली मिर्च, ये भी रोस्ट करना है। और एक चीज और, गार्लिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा है ना? चलो और डाल तो हम करें गार्लिक। अच्छा, ये जो ऑलिव ऑयल गरम हो गया तो बस इसमें प्याज, इसे हल्का ब्राउन करना है, तो ये आपका काम है। थैंक यू। ताकि मैं इधर अपना ये जो मसाला है ये तैयार कर लेता हूँ। चल, ये भून लिया हमने जीरा और काली मिर्च, इसे अब बंद कर देता हूँ और ये इसके अंदर, ये मैं इसमें डालूँ नींबू का सिर्फ छिलका। अच्छा, अब जान, हाँ ये तो हो गया। अब इसके अंदर चावल, इसके अंदर अब इसे हल्के हाथ से ये लीजिए, नहीं आप करें, बहुत अच्छा करें। और अब इसमें मैं डाल देता हूँ, ये मोटा वाला नमक डाल रहा हूँ और अब इसके अंदर पानी डाल दिया। अब पानी डालकर इसमें ये उबलना शुरू हो जाएगा, फिर ढक्कन लगाकर इसे पकाएंगे। अब एक दवाई तैयार हो रही है, ये दवाई के लिए नहीं मैरिनेट, इसमें ये नमक और इसे अब कूटना है, इसमें भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ये आ गया, जीरा, काली मिर्च और लहसुन, अब ये तैयार हो गया। इसे अलग रखते हैं और चावल को देख लेते हैं। अब ढक्कन लगाकर मीडियम ओके, तो काम करते हैं, इसको यहां पर शिफ्ट कर लेते हैं और वहां पर फिश पकानी है तो फिश के लिए ये बर्तन। अब उससे पहले फिश को तैयार करना है तो फिश में से ये निकाल देते हैं और अब बस इस तरह के चीरे दोनों तरफ ये, और ये जो मसाला है ये ऐसे चम्मच उम्मच से नहीं लगाया जा सकता, ये हाथ से ही लगेगा इसके ऊपर, ये इसी तरह से दूसरी तरफ भी ये आ गया। अब इसमें नींबू का रस दोनों तरफ इस तरह से, और इसे रख देते हैं ऐसे ही करीब आधे घंटे तक। अब ये मैदा ले लेते हैं हम और मैदे में फिश को रोल करेंगे और फ्राई करेंगे। ये लगा दिया के ऊपर मैदा और
ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल हाँ, और थोड़ा ज्यादा लगेगा ऑलिव ऑयल। हाँ डाल दें। यस परफेक्ट, वेरी गुड। और अब पकनी चाहिए फिश। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग खाते हैं बहुत ज्यादा ग्रेवी के साथ ऐसे, लेकिन ये डिश में चावल अच्छे एकदम मॉइस्ट चावल हैं पुलाव की तरह से, और ये जो फिश है ये भी अच्छी मॉइस्ट फिश होगी और टेस्टी। अगर तीखा खाना चाहते हैं तो काली मिर्च और डाल लें, हरी डाल लें, लाल डाल लें, कुछ भी डाल सकते हैं, टेस्टी लगेगी। अब इसको पलटना है हमने, ये पलट गया अभी क्योंकि हमने इसमें मैदा लगाया था, उसकी वजह से जो जितना इसमें हमने जो पहले मसाले भुने हुए लगाए थे वो उसी में चिपक गए। नहीं तो क्या होता है कि आप ऐसे डाल दें तो सारे तेल में चले जाएंगे वो, और फिश में कुछ लगा ही नहीं रहेगा। तो ये अच्छा आइडिया रहता है कि बस तरह से इसको मसाला लगाएं। वाह ये हाँ नाइस। चलिए तो फिश रेडी, चावल तो तैयारी है, तो अब इसे सर्व करने के लिए ये डिश के अंदर चावल, इसमें थोड़ा सा चॉप्ड पार्सले, और अब पूंछ टूट गई उसकी, कोई बात नहीं। ये इसके ऊपर नींबू ऊपर से लगा देते हैं, इस पे नींबू ले लिया, इसके पतले पतले स्लाइसेस, तीन स्लाइसेस इकट्ठे लेकर बीच में से लगाया चीरा, दैट्स इट। चलिए ये हो गई फिश आपके लिए, दिखने में अच्छी है बिल्कुल, कैसी एकदम आसान है ना, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल, वेरी इजी। और इतना आप अच्छा खाना बनाती है, लोगों को खिलाती है, तो क्या लगता है कि खाना बनाने के लिए क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए? सिर्फ एक चीज, क्योंकि मैं संजीव जी की स्टूडेंट हूँ, मैंने जो भी खाना बनाना सीखा है इन्हीं की बुक से सीखा है, अभी तक एक बुक है, जल्दी बहुत सारी आ जाएंगी। जस्ट फॉलो हिज रेसिपी ब्लाइंडली, वॉट एवर इंग्रीडियंट्स आर देयर जस्ट फॉलो देम ब्लाइंडली, और उसके बाद जब आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई हो जाए और खुश हो जाए, उसके बाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। कितनी सिंपल सी बात है, बाकी एकदम परफेक्ट टिप है। जो रेसिपी उसको पहली बार जब बनाए ब्लाइंडली फॉलो करें, और उसके बाद ऊपर नीचे तीखा मीठा ये वो सब कुछ करें, इसमें करने की कुछ जरूरत नहीं है। yes. नोट करें इसके इंग्रीडियंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति, बहुत मजा आया। थैंक यू। सेम है संजीव जी, थैंक यू, थैंक यू। इसके लिए हमें चाहिए चार मीडियम साइज की पॉम्फ्रेट फिश, डेढ़ कप चावल पानी में भीगा हुआ, ढाई बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, छह लो फ्राई करने के लिए तेल, दो प्याज बारीक कटी हुई, डेढ़ छोटा चम्मच जीरा, आठ काली मिर्चें, छह लहसुन की कलियां पिसी हुई, एक छोटा चम्मच लेमन राइंड यानी नींबू का छिलका ग्रेट किया हुआ, समुद्री नमक स्वाद अनुसार, एक कप मैदा, दो बड़े चम्मच पार्सली बारीक कटा हुआ और दो नींबू। इसे बनाने के लिए एक पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके इसमें प्याज डालकर भून लें। अब इसमें डालें पानी में भीगे हुए चावल, समुद्री नमक और तीन कप पानी। इसे हल्के हाथ से मिलाएं और चावल को अच्छी तरह से पका लें। एक दूसरे पैन में जीरा, काली मिर्च और लहसुन डालकर इसे भी भून लें, और इसे थोड़ा ठंडा करके इसमें नीम छिलका, समुद्री नमक और ऑलिव ऑयल डालकर कूट लें। अब फिश को साफ करके इसके ऊपर चीरा लगाएं और इसके ऊपर कुटा हुआ मसाला डालकर दोनों तरफ से अच्छी तरह से रब कर लें। अब इस पॉम्फ्रेट फिश के ऊपर नींबू का रस छिड़क कर इसे आधे घंटे के लिए रख दें। इसके बाद इस फिश को मैदे में रोल करें। अब एक पैन में ऑलिव ऑयल को गरम करके फिश को दोनों तरफ से शैलो फ्राई कर लें। इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में पके हुए चावल निकालें, इसके ऊपर डालें कटा हुआ पास्ते, और अब पकी हुई फिश को इसके ऊपर रखें और इसे नींबू के स्लाइस से सजा कर गर्मा गर्म परोसें। शुरू करते हैं एक मछली से, जिसमें मछली बिल्कुल नहीं है। देखते हैं कैसे मछली बनाई जा सकती है बिना मछली के। बहुत आसान है, कुछ थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, पकाना है और उसके बाद देखिए मछली तैयार बहुत आसानी से। चाहें तो जो बच्चे हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं इस रेसिपी में फिश की शेप देने में। किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें तैयार करने हैं। आलू को उबाल कर मैश कर दें। ये आलू हमने यहाँ पर लिया हुआ है और इसे मैश करना है। ये जो हम फिश बनाने जा रहे हैं एकदम वेजिटेरियन है, तो इसकी शुरुआत हम करते हैं मक्खन या तेल लेकर।
मक्खन हम ले लेते हैं और इसके साथ थोड़ा सा तेल, और अब इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज, इसे हल्का सा सौते करना है करीब 10 से 15 सेकेंड, और उसके साथ आप इसमें डालें मशरूम, ये बारीक कटे हुए मशरूम, ये फ्रेश मशरूम है, और प्याज और मशरूम को तेज आंच पर हमने पकाना है, और इन दोनों चीजों को भी करीब 15 सेकंड तक आप तेज आंच पे पकाएं। और अब इसमें हम डालेंगे ये गाजर, ताकि प्याज और मशरूम के पानी में ये जो गाजर है वो पक जानी चाहिए, तो इस समय इसमें हम डाल देते हैं गाजर। गाजर डालने के बाद इसमें आप डालें नमक, ये नमक इसलिए हम डाल रहे हैं ताकि इसमें जो पानी है वो सूख जाए, नमक डालने से पानी निकलेगा और उसे जब हम पकाएंगे तो वो सूख जाएगा। नमक अब ये तैयार हो चुका है, इसे हम बंद कर देते हैं और एक बड़े बोल के अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अब आप इसमें डालें मैश्ड आलू, और आलू डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, पहले प्याज मशरूम और गाजर में भी हमने डाला था, और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं। वैसे हमें ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं वो स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बात ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, लेकिन एकदम ब्लैंड भी ना बनाएं। हम लोग ये गलती अक्सर करते हैं कि बच्चों के लिए कुछ भी बनाते हैं तो उसको एकदम ब्लैंड बना देते हैं, बच्चे ऐसा पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा सा मसाला होना चाहिए, थोड़ा सा टेस्ट होना चाहिए, और इसके साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इन सब चीजों को मिला लेते हैं हम, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा, इन सब चीजों को मिक्स कर लें। अब ये तैयार हो गया है हमारा बेस, और इसको आप स्टफ भी कर सकते हैं, और स्टफिंग के लिए हमारे पास है यहां पर चीज, तो आप चीज जो ग्रेट किया हुआ है उसे इस तरह से तैयार कर लें। अब चलिए इसको बनाते हैं, और ये जो हम फिश बनाएंगे इसका साइज आप अपनी पसंद से रख सकते हैं, चाहें तो थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, नहीं तो मीडियम साइज का, नहीं तो एकदम छोटा भी बनाया जा सकता है। आप इस तरह से आलू ले लें, और ये जो चीज है उसे इसके अंदर रखेंगे और स्टफ कर दें। देखिए अब इसके बाद इसको हम फिश की शेप देंगे, और कभी भी कोई खाना आप बनाएं तो उसको जितना सिंपल हो सके उतना ही रखें, शेप देने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, जैसे बच्चे शेप बनाते हैं उसी तरह से बनाएं ताकि बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो सके। आप देखते हैं बच्चे खेलते हैं, प्ले डो होता है, यानी ऐसा डो ऐसा आटा जिससे वो खेल सकते हैं और अलग अलग शेप्स बना सकते हैं। आप ये जो है ये बच्चों को दीजिए और उनको बोलिए कि इससे फिश की शेप बनाएं, शायद आपसे अच्छी वो बना सकते हैं। खैर बहुत आसान सा तरीका है, ये हमने बना लिया है, और इसे हम थोड़ा फ्लैट कर देते हैं, थोड़ा लंबा इस तरह से, और अब यहां से आप ऐसे दबा दें, थोड़ा फ्लैट करते रहें। ये देखिए इसको आप दबा कर इस तरह से शेप दे दें फिश की, और अब इसे हमने फ्राई करना है। फ्राई ऐसे नहीं करेंगे, ब्रेड क्रम लगाकर तब इसे फ्राई किया जाएगा। तो ब्रेड क्रम लगाने के लिए पहले हम अंडा तोड़ देते हैं, और वो जो लोग अंडा नहीं खाते थोड़ा सा मैदा लें, उसमें पानी घोलें, और अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, और उस घोल के अंदर आप इसे डिप करें ये जो फिश हमने बनाई है आलू से, और उसके बाद उसके ऊपर ब्रेड क्रम लगाएं, इतना ही आसान है। ये जो अंडा इसे हम मिक्स कर लेते हैं, और अब अंडे के अंदर इसे आप डिप करें, और उसके बाद ब्रेड क्रम में। अब इसे हम फ्राई करते हैं तेल के अंदर, इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ये फिश, एकदम क्रिस्प है। बच्चों को आपने लुभाना हो तो पहले लुक से लुभाना पड़ता है, तो ऐसा लुक बना के देखिए, और उसके बाद जब वो इसको बाइट करेंगे तो खाने में पसंद तो आएगा ही और मांगेंगे। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बच्चों के लिए ये सब करना पड़ता है,
ऐसी मच्छी बिना मछली के। इसके लिए हमें चाहिए 4 आलू उबले और मैश किए हुए, 2 छोटे चम्मच कॉर्न स्टार्च, 2 बारीक कटे मशरूम, आधी गाजर बारीक कटी हुई, 1 बारीक कटी प्याज, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ चीज, 2 अंडे, 1 कप ब्रेड क्रम्स, कुटी काली मिर्चें स्वादानुसार, तलने के लिए तेल और नमक स्वादानुसार। इसके लिए आप एक पैन में मक्खन और तेल लेकर इसके अंदर बारीक कटी प्याज और बारीक कटे मशरूम डालकर इसे भून लें। अब इसके अंदर बारीक कटी गाजर और नमक डालकर इसे भूनें और सुखा लें और इस मिक्सचर को निकालकर ठंडा कर लें। अब इसके अंदर मैश किए हुए उबले आलू, नमक, कुटी काली मिर्चें और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें कॉर्न स्टार्च डालकर मिक्स करें और इस मिक्सचर के गोले बनाकर इसे फ्लैट करें और इसके बीच में ग्रेट किए हुए चीज की गोली बनाकर इसे स्टफ करें और इसे दबाकर फिश की शेप दें। इसके बाद अंडे को फेंटकर इसके अंदर फिश को डालें और इसे कोट करें और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाकर इसे गर्म तेल के अंदर दोनों तरफ से फ्राई करें और सर्व करें। मेरे पास ये पत्र आया है अपर्णा चौधरी जी का। हमारे घर में फिश ऑलमोस्ट डेली बनता है, तो कुछ अलग फिश की रेसिपी बताएं ना प्लीज। अब ये प्लीज में कुछ 10 तो एल हैं, 5 ई हैं, 2 ए हैं, 6 एस हैं। अब इतना बड़ा प्लीज है तो प्लीज तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एक रेसिपी बताता हूं और ये जो रेसिपी है ये है अचारी फिश टिक्का। वेजिटेरियन भी बना सकते हैं इसको, फिश अगर निकाल दें तो वेजिटेरियन अचारी टिक्का कैसे बना सकते हैं, फिश वाले फिश के साथ, पनीर वाले पनीर के साथ आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो फिश है उसे हम ले लेते हैं और ये जो फिश है बोनलेस फिश ले लें आप और इस फिश के आप बड़े बड़े पीसेस ले लें और इसमें डालते हैं नींबू का रस और उसके साथ नमक और लहसुन का पेस्ट, इसके साथ ये लीजिए अदरक का पेस्ट और इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अब इन सब चीजों को मिक्स कर लें। अब इस पैन में कुछ चीजें हम जरा भून लेते हैं, जैसे ये राई और उसके साथ साथ सौंफ और ये कलौंजी और इसके साथ इसमें डालें मेथी। ये सब चीजों को भून लें। इसको हम ले लेते हैं इसके अंदर। पैन अभी गर्म ही है, इसमें लें सरसों का तेल। सरसों के तेल को स्मोकिंग पॉइंट तक हमने गर्म करना है, अच्छी तरह से गर्म करना है। ओके, अब इसके अंदर थोड़ा ये काला नमक डालकर इसे कूट लें। जो सरसों का तेल है ये हो गया एकदम गर्म, इसे कर दिया बंद। अब क्या करना है भाई, अभी आप थोड़ा इंतज़ार करें, मैं बताता हूँ करना क्या है। ये जो हमने ली है मच्छी फिश, उसमें थिक दही, उसके साथ साथ ये अचारी मसाला और तेल को हमने डालना है इस फिश के अंदर और ये लीजिए। और अब ये जो फिश के पीसेस हैं उसको आप रखें इस तरह से और अब इसको रखेंगे हम अवन के अंदर। अवन प्री हीटेड है ये देखिए और इसमें नीचे मैंने ट्रे रखी हुई है ताकि अवन गंदा ना हो। और अब ये फिश के टिक्के इसके अंदर और गरम आंच पे इसे पकने दें और थोड़ी देर बाद इसे खोल के इसके ऊपर मक्खन या तेल लगाकर इसे बेस्ट कर लें ताकि ये जूसी भी रहें और लाल भी हो जाएं। और फिर उसके बाद निकालें और ऊपर से डालें थोड़ा नींबू का रस और ये जो फिश के अचारी टिक्के हैं इसको परोसे एकदम गर्मा गर्म। जी हाँ, ठंडे हो गए नहीं,
फिर इसको परोसे नहीं, फिर करी में डाल के इसको आप कुछ भी करें, लेकिन खाने हैं इसी तरह से खाएं, गर्मा गर्म अवन में से निकालें और परोसें। आप पैन में भी इसे पैन फ्राई भी कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन ड्राई अगर करने हैं, ग्रिल करना है, तो इसी तरह से अवन में इसे पकाएं। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और इसके बाद इसका एग्री क्या। इसके लिए हमें चाहिए सुरमई फिश के फिले 4, 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच राई भुनी हुई, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 कप दही और 4 बड़े चम्मच मक्खन। इसे बनाने के लिए एक पैन में राई, सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना डालकर भून लें और इसे कूट लें। फिश के पीसेस में नींबू का रस, नमक, लहसुन की पेस्ट, अदरक की पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दही और कुटा हुआ मसाला डालकर मिक्स कर लें। अब एक पैन में सरसों के तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें और फिर इसे थोड़ा ठंडा करके मैरिनेटेड फिश में डालें और अच्छी तरह से मिला लें। अब इन फिश के पीसेस को ग्रिल रैक पर रखकर इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर करीब 10 से 15 मिनट तक बेक करें और बीच बीच में इसके ऊपर मक्खन या तेल लगाकर इसे पूरी तरह से पकने दें और गर्मा गर्म परोसें। बनाते हैं एक लहसुन वाली मछली लाल मिर्च के साथ, खट्टी मीठी तीखी। और ये जो फिश है ये पॉम्फ्रेट फिश बनाएंगे, होल फिश बनाएंगे, और चाइनीज थाई लोग काफ़ी इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये फिश। और इसके लिए करना क्या है, मैं ज़रा प्याज ये ढेर सारा लेता हूँ। तो प्याज इसके लिए ये लीजिए। अब ये जो हरा प्याज है इसको इस तरह से, इसके लिए जो फिश है पॉम्फ्रेट फिश ली है और पॉम्फ्रेट फिश को हमने फ्राई करना है। अच्छा, इस पॉम्फ्रेट फिश को जिस तरह से काटा गया है इसको हमने बोनलेस किया है, ये देखिए। अच्छा, ये फिश में थोड़े से ये इस तरह से चीरे लगा देते हैं और अब इसमें नमक और उसके साथ साथ कॉर्न स्टार्च। चलिए, फिश हमने तैयार कर ली है और ये जो मेरे पास स्प्रिंग अनियन है ये ले लेते हैं और अब छन्नी में डाल के इसे फ्लैश फ्राई करना है हमने। ये देखिए, बस ये हो गया फ्लैश फ्राई। इसकी सॉस की भी तैयारी कर लेते हैं। ये पैन में, ये तेल में स्प्रिंग अनियन और ढेर सारा लहसुन, और अब इसमें डालते हैं हम लाल मिर्च की पेस्ट। ये डाली लाल मिर्च की पेस्ट, उसके साथ इसमें डाल दें पानी, इसे कर देते हैं मिक्स। चलिए, जब तक ये तैयार होता है हम फिश ले लेते हैं और ये जो फिश है इसको इस तरह से हम फ्राई करेंगे, थोड़ा फ्लैट करके इसको। पूरी की पूरी फिश इस तरह से फ्राई कर ले। अब ये जो फिश है देख लेते हैं इसकी क्या हालत है। वाव, नाइस। और ये जो मेरे पास स्प्रिंग अनियन है ये लेकर थोड़े से ये नीचे, और फिर ये जो फिश है ये ली, तेल इसमें से एक्स्ट्रा निकाला और इस फिश को रख दिया इसके ऊपर। और अब ये सॉस, सॉस के लिए मैंने कॉर्न स्टार्च थोड़ा पानी में घोल के रखा हुआ है, लेकिन और भी चीज़ें डालनी है सॉस के अंदर, तो वो क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। एक तो नमक, नमक स्वाद अनुसार, चीनी थोड़ी ज़्यादा डलती है इसमें, तो चीनी, और इसमें ये कॉर्न स्टार्च पानी के अंदर घुला हुआ वो इसके अंदर ये डाल दिया। मुझे चाहिए विनेगर, सिरका, वो इसके अंदर ये कर दिया मिक्स, और ये तैयार हो गई हमारी सॉस। फिश तैयार है, इसके ऊपर पोर कर देते हैं ढेर सारी गार्लिक वाली सॉस। ये लीजिए,
भाई वाह। और ये जो हमारे पास फ्लैश फ्राई किए हुए स्प्रिंग अनियन है वो लेकर, स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स इस पे, और इसका मजा लें गर्मा गर्म, चाहे तो स्टीम्ड राइस के साथ, नहीं तो ऐसे ही नूडल्स के साथ। वैसे ऐसे ही खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन तीखी होगी, तीखा कम करना चाहते हैं तो लाल मिर्च पिसी हुई है वो ड्राई रेड चिलीज ऐसी लें जो तीखी ज़्यादा ना हो। लेकिन मज़ा तभी आता है लहसुन ज़्यादा हो, मिर्चें ज़्यादा हो, थोड़ी मिठास भी हो, थोड़ी खटास भी हो। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप। चिली गार्लिक फिश के लिए हमें चाहिए 2 पॉम्फ्रेट फिश साफ की हुई, नमक स्वादानुसार 1/4 कप और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 बड़े चम्मच और तलने के लिए तेल, 2 हरी प्याज की डंडियां कटी हुई, 20 कलियां लहसुन की कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पेस्ट, 5 छोटे चम्मच चीनी और 2 बड़े चम्मच विनेगर। इसे बनाने के लिए बोनलेस पॉम्फ्रेट के अंदर नमक और कॉर्नफ्लावर लगाएं और इसे तलें और निकाल लें। हरी प्याज की कटी पत्तियों को भी गर्म तेल में तलकर निकाल लें। एक पैन में तेल गर्म करके इसमें हरी प्याज, लहसुन, लाल मिर्च की पेस्ट डालकर भूनें। इसमें 2 कप पानी, नमक और चीनी डालकर पकाएं। अब 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च पानी के अंदर घोलकर इस पकी सॉस में डालें। इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। इसमें विनेगर डालकर मिक्स करें और सर्व करने के लिए डिश में तली हुई हरी प्याज के ऊपर तली फिश को और तैयार सॉस को डालें और इसे हरे प्याज की कटी पत्तियों से सजा कर सर्व करें गर्मा गर्म।